मेरी सारे क्लोज फ्रेंड्स को बहुत अच्छे से पता है कि मैं गोभी आलू की सब्ज़ी की कितनी बड़ी फ़ैन हूँ। तो यहाँ मैंने लिया है थोड़ा सा सरसों तेल, हरी मिर्च डाली है एंड उसके बाद उसमें प्याज लंबे लंबे काट के, और गोभी को मैं अलग से फ्राई करवा रही हूँ मम्मी से, बिकॉज शी इज़ सो प्रो इन फ्राइंग दिस गोभी एंड आलू। वो हल्का कच्चा कच्चा सा टेस्ट भी रहता है, ओवर बॉइल्ड नहीं रहता। फिर मैंने मसाले में डाला है टमाटर, नमक, हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर ज़्यादा डाला है और गरम मसाला। इसको अच्छे से भून लो और फिर जब इसमें से थोड़ा थोड़ा तेल निकलने लगे तब हम डालेंगे इसमें गोभी आलू जो हमारे पास हल्की हल्की फ्राई सी है, एंड इसको ढक के थोड़ी देर पकाना है। इसके साथ मम्मी बना रही थी मरुआ की रोटी, बिहारियों को पता होगा, एंड नॉर्मली हम इसको रागी की रोटी कहते हैं, एंड इसका टेस्ट आजकल हमें बहुत अच्छा लग रहा है। फिर हम अपना लंच फाइनली रेडी करके खाने बैठ गए चटनी के साथ।